विवान, तुम उस तरफ जाकर देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है पार्टनर। मेरी जादुई शक्तियां उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रही है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गिरपरी जी क्यों? करुणा जी, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करने को कहा गया है। अब आई है बालवीर और विवान की जान हमारी मुट्ठी में। पार्टनर को पता चला? नहीं। चलो उधर देखते हैं। चलो पार्टनर। तो मम्मी का पोस्टर और ये दादाजी का जूता और मम्मी का मोबाइल। इसका मतलब दादाजी और करुणा जी को यहीं से गायब किया गया है। बहुत वक्त लगा दिया इन्होंने आने में, लेकिन इस समय हमारा वक्त अच्छा चल रहा है। तभी तो भारत नगर वालों का बुरा समय बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इससे पहले कि काल लोक वाले उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाए, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। आया बुड्ढा आया। ये कौन सी जगह है पापा जी? ये हम कहाँ आ गए? हम तो होलसेल सब्जी मार्केट जा रहे थे, ये यहाँ कहाँ आ गए? करुणा जी, यहाँ तो पूरा भारत नगर आया हुआ है पापा जी। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी, ये होलसेल मार्केट नहीं है, होलसेल बदला है महारानी का। बहुत सस्ते दामों में जाने वाली है तुम्हारी जान। मजा आ गया। भारत नगर के दोनों खास निवासी काल लोक में आ गए हैं। अब बालवीर क्या करेगा? कौन हो तुम लोग? हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? पापा जी, ये क्या हो रहा है? पूरा के पूरा भारत नगर। मिश्रा जी, हम सपना तो नहीं देख रहे ना? पता नहीं क्या हो रहा है, किसका बुरा साया है यार। बालवीर बचाओ! बालवीर, बालवीर हमें बचाओ! बालवीर, बालवीर, बालवीर हमें बचाओ! रानी, अब आगे क्या करना है तिमनासा? अब बस इंतजार करना है दोनों बालवीरों के यहाँ आने का, ताकि मैं उन दोनों की नजरों के सामने इन भारत नगर वासियों को मसल कर रख सकूं। इस सब में मेरी ही गलती है। पहले मैं अपनी माँ को कालपरी बनने से भी नहीं रोक पाया और अब पूरा भारत नगर खतरे में है। तुम ऐसा नहीं सोच सकते बालवीर, क्योंकि तिमनासा यही चाहती है तुम्हें कमजोर करना, तुम्हारी हिम्मत तोड़ना। हाँ बालवीर, हमें अभी अभी पता चला है कि भारत नगर से छेड़ा जी भी गायब हो गए, पर ऐसे वक्त में हम हिम्मत नहीं हार सकते। हाँ, और भारत नगर को केवल तुम बचा सकते हो बालवीर। हाँ पार्टनर, आप बालवीर हो और दुनिया को बचाने का आपने कमिटमेंट किया है। और बालवीर भी सलमान भाई की तरह एक बार तो कमिटमेंट कर दिया ना, फिर वो खुद की भी नहीं सुन सकता। आप सब सही कह रहे हैं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तिमनासा को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारा अगला कदम क्या होगा बालवीर? अगला कदम उठाने से पहले हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर तिमनासा किस रास्ते से भारत नगर के लोगों को काल लोक ले जा रही है। अगर हम भारत नगर के लोगों को एक एक करके वापस लाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है तिमनासा चौकन्नी हो जाए और वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दे। हाँ बालवीर, और ऐसा भी हो सकता है कि वो भारत नगर के वासियों को कोई ऐसी जगह छुपा दे जहां हम उन्हें ढूंढ भी ना पाए। इसका मतलब हमें सबको एक साथ वापस लाना होगा और उसके लिए हमें वही रास्ता चुनना होगा जहां से उसने सबको एक साथ गायब किया है। ओह, ओके। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि तिमनासा ने भारत नगर के लोगों को इतने बड़े काल लोक में किस जगह छुपाया है? गिर पड़े जी परियो, आप सब भारत नगर के कोने कोने में फैल जाइए और पता लगाइए कि तिमनासा किस रास्ते से भारत नगर के लोगों को ले जा रही है। तब तक मैं और विवान गिर पड़े जी को ढूंढते हैं। आपके आदेश अनुसार महारानी, हम भारत नगर के काफी लोगों को लेके आए हैं और भी लोगों को लेके आते हैं। शाबाश भैमार, चलिए चले। तिमनासा, तुमने गिरपड़ी को धरती लोक में तो भेज दिया है, पर अब वो हमारे लिए खतरा बन चुका है। गिरपड़ी खतरा? ए तबा तबा, अन्नी उंगली की कसम, ये गिरपड़ी तो हमारा वो है गुलाम, फिर खतरा कैसे? कुछ भी बोल रही, क्योंकि बालवीर तुम्हारे जितना बेवकूफ नहीं है जबदाली। अब तक तो उसे शक हो चुका होगा कि भारत नगर के जितने भी लोग गायब हो चुके हैं वो सारे लोग गायब होने से पहले गिरपड़ी के साथ ही थे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला कालपरी। बालवीर शांत तो नहीं बैठेगा, तुम्हें धरती लोक पर जाना चाहिए। बालवीर उस विवान पर और उन परियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो हमारी किसी भी योजना के बीच में उल्टा दांव चले। पार्टनर, आपके कहने पर मैंने सुपली को बोला कि पद्मिनी आंटी को लेकर इस सड़क पे है, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चिंता मत करो विमान, बालवीर के होते हुए कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, भरोसा रखो। और वैसे हमें करुणा जी का पर्स और दादाजी के जूते इसी सड़क पर मिले थे, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सड़क कुछ खास है। और वो देखो, भैमार भी यहीं पर है। हमें बताओ गिरपड़ी अंकल, अपने दादाजी और मम्मी को कहाँ भेजा? बताओ 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 ना गिरपड़ी अंकल, बताओ जल्दी बताओ, बताओ ना अपने दादाजी और मम्मी को कहाँ भेजा है? विवान, विवान क्या कर रहे हो ये? विवान, गिरपड़ी जी सिर्फ कठपुतली है, उनकी कोई गलती नहीं है। हमें इनको नहीं पकड़ना है, हमें तो बल्कि ये पता लगाना है कि भारत नगर के लोगों को गायब कैसे किया जा रहा है। सॉरी पार्टनर, मैं थोड़े गुस्से में आ गया था। पद्मिनी जी कहाँ है? ध्यान से देखो बालवीर, तुमने मुझे तो पकड़ लिया, लेकिन सुखी और पद्मिनी को लेके भयमार छूमंतर हो गया। मस्तीपरी अभिमान के साथ मिलकर पता लगाइए कि सुतली और पद्मिनी जी कहाँ हैं। तब तक मैं गिर पड़े से उगलवाता कि आखिर भयमा भारत नगर के लोगों को गायब कैसे कर रहा है। जाइए। हाँ बालवीर। बालवीर, तुम कुछ नहीं उगलवा पाओगे इससे। चलो। चलो हमें देखना होगा कि वो किस यंत्र का उपयोग करता है। पृथ्वी पर आके कंचे खेल रहा है, इसकी तो विवान रुको। अभी नहीं। अच्छा, तो ये है वो यंत्र जिसके सहारे भारत नगर के लोगों को गायब कर दिया जा रहा है। ये कहाँ से आ गई? चला चल जादू भी नहीं चल रहा। वो सोतली और पद्मी नाड़ी को लेकर जा रहा है। मस्तीपरी, हमें उसे रोकना होगा। नहीं नहीं नहीं, विवाना भी नहीं, रुको। हमें बस एक ही मौका मिलेगा, इसलिए भयमार को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अगर भयमार को पता चल गया तो तिमनासा को भी पता चल जाएगा और फिर भारत नगर के लोगों को वापस लाने का रास्ता बंद हो जाएगा। परियो, हमें गिरपड़े जी पर सत्यम जादू का उपयोग करना होगा ताकि वो हमें सच बता सके कि काल लोक वाले कैसे भारत नगर के लोगों को गायब कर रहे हैं। या कौन था? अरे बालवीर, तुम मुझे कहाँ लेके आ गए? मैं तो पाटिल के साथ फोन पे बात कर रहा था। शीतल चाची का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है। ये दो बातें अलग है। कुटे आलो रे मी। अरे लगता है किसी ने गिरपड़े जी के ऊपर से काल लोक का जादू हटा दिया है और इसलिए गिरपड़े जी अब हमें कुछ नहीं बता सकते। अब हम क्या करें बालवीर? पता कैसे चलेगा हमें कि भारत नगर के लोग कहाँ पर है? आओ गालपरी, क्या खबर लाई हो? मेरा शक सही निकला, बालवीर ने गिरपड़े को पकड़ रखा था। क्या? इसका मतलब बालवीर ने गिरपड़ से अब तक सारा सच उगलवा लिया होगा। मतलब थोड़ी देर में वो काल लोक में आएगा, हम सबकी दुर्गति कर देगा। मतलब शतरंज के खेल में अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो 10 कदम आगे की चाल का भी सोच कर रखता है। जैसे ही मुझे शक हुआ कि गिरपड़ हमारे लिए खतरा बन चुका है, मैंने तुरंत ही उसका पीछा किया और बालवीर से पहले ही मैंने उसके अंदर की सारी जानकारी मिला दी। अब बालवीर को कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत खूब। विवान, मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने मस्तीपरी के साथ मिलकर आखिरकार वो मार्ग ढूंढ लिया जिससे तिमनासा भारत नगर के लोगों को काल लोक ले जा रही थी। बहुत अच्छे। अब तुम यहाँ परियों के साथ वीर लोक में सुरक्षित रहो। मैं काल लोक जा रहा हूँ। पार्टनर, मुझे कब तक बच्चा समझोगे? तिमनासा ने मेरी मम्मी और मेरे दादाजी को गायब कर दिया है। जब मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए क्या छुप जाऊं? तुम समझ नहीं रहे हो विवान। क्या नहीं समझ रहा हूं मैं पार्टनर? हाँ, एक तरफ बोलते हो कि मैं बालवीर हूँ, दुनिया को बचाना मेरा फर्ज है, और दूसरी तरफ मुझे वीर लोक में छुपने को बोल रहे हो। अजीब दलदल में फंसा दिया आपने मुझे पार्टनर। तुमने क्या बोला? एक बार फिर से बोलो। एक तरफ बोलते हो कि मैं बालवीर और नहीं। उसके बाद तुमने क्या बोला? अजीब दलदल में फंसा दिया आपने मुझे। दलदल में तो अब तिमनासा फंसेगी। कालपरी का शक सही था तिमनासा, वो गिर पड़े। आप है ना थोड़ी देरी से आए। यहाँ कालपरी 10 साल चलने के बारे में बात कर रही है और आप है वही पुरानी घिसी-पिटी बात कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, कालपरी ने गिरपड़े के दिमाग से सारी जानकारी साफ कर दी है। अब हमें गिरपड़े से कोई खतरा नहीं है, निश्चित रहिए। हाँ भैमार, गिरपड़े की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। बस तुम जाकर उस बालवीर को और विवान को यहाँ ले आओ काल लोक में। हाँ। परियो, आप सबको पता है ना आपको क्या करना है। याद रखना, इस योजना को अंजाम देने के लिए हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा और इसलिए कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करो बालवीर, हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ बालवीर, ऑल द बेस्ट पार्टनर। बालवीर ने गिरपड़े को इसी जगह से पकड़ा था। वो कोई ना कोई सबूत ढूंढने वापस जरूर आएगा। बालवीर, तुम्हें पक्का यकीन है कि भैमार हमें ढूंढता हुआ यहाँ पर आएगा? पीछे देखिए। आ गया पंछी जाल में फंसने। अब खुद के बिछाए जाल में तो खुद फंसेगा भैमार। दूसरा सिरा खोदा पहाड़ और निकली तिमनासा। महाराजा ने आखिर समुद्र के बड़ी मछली को पकड़ ही लिया, खुद बालवीर को यहाँ लाकर पटक दिया। अब हमारी जीत पक्की है भैरानी, और जीत का स्वाद भी बहुत मीठा होगा, क्योंकि इस जीत को हासिल करने में साथ भी तो तुम्हारी माँ ने दिया है बालवीर। अगर कालपरी ना होती तो पृथ्वी पर हमारी शक्तियां कैसे चलती और हम जीतते कैसे? ये बालवीर की हंसी सदमे की हंसी है या फिर कोई 15 कदम आगे की चाल चलने वाला है हमारे साथ? तुम्हें क्या लगता है तिमनासा कि हम यहाँ तुम्हारी वजह से आए हैं? हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं और वो भी तुम्हारा खेल खत्म करने के लिए। ये तो 15 कदम आगे की चाल वाली हंसी थी। मतलब अब तो डूबने वाले काल लोक के मटके। विवान भाग, आज तो तुझे बालवीर भी बचाने नहीं आएगा। गया छोटा बालवीर। हम तैयार हैं विवान। ये परियां यहाँ क्या कर रही है? अब आपको अगले 11 पलों तक इस गाड़ी को डल में फंसा के रखना होगा। बालवीर, अब सिर्फ 11 पलों का वक्त बचा है। 11 पल? भरानी, कौन से 11 पल की बात कर रही है? ए, भैरानी के 4, भैराजा के 4, मेरे 2, तुम्हारा 1 पल। हो गया, अब चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। तुम में और मुझ में यही फर्क है तिमनासा। तुम पेट पीछे वार करती हो और मैं घर में घुसकर सामने से वार करता हूँ। चलिए वायु परी। ये क्या भैराने? अपने मोती के दानों की तरह चुन चुन कर भारत नगर के निवासियों को जमा कर गया था और बालवीर ने एक ही झटके में आपके दिल का मोती चूर कर दिया। इस जादुई गाड़ी में बहुत शक्तियां हैं। इसे और देर तक रोके रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। बस कुछ पल और पानी परी, ये गाड़ी काल लोक और धरती लोक के बीच का पुल है। इस हाथ से छूटने नहीं दे सकते। डॉक्टर, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? वायु परी, इन सबको भारत नगर भेज दो। अरे कुठे गेले सगळे? अरे ओ सुनो भारत नगर के वासियो, कुठे आज? अरे आज कुठे? अरे अरे आसमान से बारिश होती है, ओले गिरते हैं, इंसान कब से गिरने लगे? आइलाए क्या चल रहा है? सब ठीक हो ना? बोलो नहीं, सुनो। करुणा जी मैं तो छुपी हूँ। गिर पड़ी सी, आपने हम सबको काल लोक क्यों भेज दिया था? मैंने? कब? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी गिर पड़े। हम तुम्हें कानून का रखवाला समझ रहे थे और तुमने ये गैरकानूनी काम किया। अरे दादाजी मैंने कुछ नहीं किया है। और आप हमें रेस्टोरेंट लेके जा रहे थे ना? मैंने? हाँ। कब? हाँ गिर पड़े, मैं तुम पर केस करने के लिए विदेश से वकील लाऊंगा, बहुत महंगे वाला। सुधा केस करना तुझे अगर चला भाई। मैं इस बार हार के उड़ गया हूँ बालवीर, लेकिन मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। इस गाड़ी को अभी नष्ट करते हैं। हमने कर दिखाया वाटर। अब भारत नगर के सभी लोगों के दिमाग से काल लोक की यादें मिटानी होगी। वाटर ये क्या कर रहे हो? इन सब की बुरी यादों को मिटाकर अच्छी यादें दे रहा हूँ। बहुत मजा आया पिकनिक में। क्या कूद कूद के नाचे हैं मिश्रा जी, माइकल जैक्सन की तरह। वो गिलहरी अखरोट खाते वक्त बहुत क्यूट लगती है। नहीं नहीं वो दोनों बातें अलग हैं। बढ़िया बढ़िया नाचे भाई। नाचेंगे क्यों नहीं, अमेरिका से जो डांस सीख के आए हैं। ये बात कुछ आजम नहीं हुई। क्या बात है, क्या बात है। बहुत मजा आया ना मम्मी। हाँ। हम ऐसी पिकनिक्स पे और जाएंगे। सुतली हर संडे जाना चाहिए। हाँ नहीं सुतली, ऐसे एक पिकनिक 2-3 साल के लिए काफी है। विवान सो नहीं, उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। विवान उठते हो या लाऊं ठंडे पानी की बाल्टी? ठंडा पानी नहीं मम्मी, ठंडा पानी नहीं। लेकिन मम्मी आज तो संडे है ना। किसने बोला संडे है? आंखें खोलो और उधर देखो, आज सैटरडे है। सैटरडे आज सैटरडे। हिंदी टीचर ने तो मुझे होमवर्क दिया था निबंध लिखने का। नहीं किया ना होमवर्क? अब स्कूल जाओ और बकेट भर के डांट खाओ टीचर की, वो ही सुधार सकती है तुम्हें। थोड़ा सा भी पेट में दर्द हो रहा है तो नीम करेले रखे हैं, उनका जूस पिला दूंगी तुम्हें। और अगर सर में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन लगवा दूंगी। नीम करेले का जूस और इंजेक्शन से तो अच्छा है डांट ही खा लूंगा स्कूल में। मम्मी टिफिन तैयार है क्या? हाँ बेटा। और तू क्यों नहीं तैयार हो अब तक? क्योंकि राजकुमार को लग रहा है कि आज संडे है। मम्मी मैं तैयार हो जाती हूँ, आज साइंस एग्जाम में बहुत मजा आएगा। यकीन नहीं होता ये मेरी बहन है। बेटा तेरे ही दिमाग में गायब हुआ है सैटरडे, पूरी दुनिया के नहीं। चल 5 मिनट के अंदर ब्रश करके नहा कर निकल वॉशरूम से, चल जल्दी। हाँ काश कोई सैटरडे को संडे बना देता। कोई क्यों, मैं खुद क्यों नहीं? आखिर मैं भी तो बालवीर हूँ और बच्चों की मदद करना मेरा फर्ज है। दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसे संडे ना पसंद हो, खुशी दीदी के अलावा। बच्चे जो बहुत पहले से ये सपना देखते आ रहे हैं, आज मैं वो पूरा करूंगा। किसी महान आदमी ने कहा कि मुश्किल से मुश्किल काम किसी आलसी को दे दूं तो वो बिना मेहनत के कोई तरकीब निकालकर यूं कर लेगा। बच्चों को है संडे से प्यार, लोग को वजह शनिवार है। Thank you, thank you, thank you, thank you. ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं मम्मी। आज तेरी वजह से मुझे भी लेट होने वाला है विवान। सैटरडे को पांडे जी जल्दी लंच करते हैं, खीर का वेट कर रहे होंगे वो। लेकिन पांडे जी संडे को खीर थोड़ी खाते हैं। क्या? हाँ, संडे है देखो। हाँ? आज संडे है? हाँ तो। संडे? हाँ। क्या आज संडे है? तो मैं फालतू में साइंस एग्जाम के लिए इतना खुश हो रही थी। अरे बोलो नहीं, सुनो, चलो कोई बात नहीं। अब संडे है तो फिर मैं जाकर भिंडी और बैंगन ले आती हूँ। आज कस्टमर्स भिंडी मसाला और बैंगन के भरते का वेट करेंगे। और आज तो संडे के दिन इतनी जल्दी कैसे उठ गया? जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है ना, इसलिए। चलो दीदी क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा हाँ चलो, लेकिन पहली बैटिंग मैं करूंगी। ठीक है कर लेना। वैसे भी कल दोबारा संडे आएगा तब मैं पहले बैटिंग कर लूंगा। कौन हो तुम? क्या चाहिए मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी जान चाहिए। छिलका छोड़ते, सेब खा के बीज छोड़ते, लेकिन भैरानी ने तो इस आम लड़की की गुठलियां तक नहीं छोड़ी। वाह क्या बात है भैरानी, वाह। तिमनासा, मुझे लगता है हम पर किसी ने हमला कर दिया है। किसकी हिम्मत हो गई काल लोक पे हमला करने की? जब मैं सर्वकाल मंदिर में तपस्या कर रही थी तब मैंने बहुत ही ताकतवर शक्ति को महसूस किया। जिस शक्ति को तुमने महसूस किया है कालपरी, वो हम पर हमला करने नहीं आई, बल्कि उसे तो मैंने जागृत किया है। और उस ताकतवर शक्ति का नाम है क्रोधाल। कौन है ये क्रोधाल? तिमनासा के अगले वार के लिए तैयार हो जाओ। परियो, मैं आप सबको एक बहुत ही अच्छा आइडिया बताना चाहता हूँ। हम हर बार बुराई के वार करने का इंतजार करते हैं, तो क्यों ना इस बार बुराई के वार का इंतजार करने के बजाय हम खुद ही बुराई पर वार कर दें। मतलब बुराई के बीज को बुराई का पेड़ बनने से पहले ही अच्छाई का बीज बना दिया जाए। हाँ बिल्कुल वैसे ही। ऐसे ही नेक ख्याल तो विवान ने भी दिया था 2 दिन पहले। वैसे परियो, ये ख्याल भी उसी ने मुझे दिया है। वाह क्या बात है, लेकिन आज तुम बहुत खुश लग रहे हो बालवीर। अरे खुश क्यों ना हो, एक शिष्य अपने गुरु को सलाह देने लगे, इससे अच्छी बात एक गुरु के लिए क्या हो सकती है। वैसे परियो, आप सबको ये युक्ति कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा। हाँ बालवीर बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, मैं अभी पृथ्वी लोक पर जाता हूँ और विवान से कहता हूँ कि परियों को भी सुझाव बहुत पसंद आया। तब तक आप भी शौर्य से बात कीजिए और आगे की योजना बनाइए। हजारों साल पहले क्रोधाल नाम के एक बहुत ही गुस्सैल साधु ने सर्वकाल मंदिर में समाधि ली थी। अपने अंदर समाई हुई बेहद शक्तिशाली और काली ऊर्जा से दुनिया को बचाने के लिए। अच्छा, और तुम इसकी क्रोध शक्ति इस्तेमाल करना चाहती हो, इसलिए तुमने क्रोधाल को जागृत किया है। बिल्कुल सही समझा तुमने भैमार। की कसम, ये क्रोधाल तो बहुत वो लग रहा है, विध्वंसकारी। तिमनासा, अब इस क्रोध शक्ति का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप इस शक्तियों का इस्तेमाल हम पर मत कीजिए, हम तो पहले से आपसे बहुत डरते हैं। अब तुम दोनों मूर्ख धरती पर जाओ हैं, और अगर बालवीर, विवान या वो परियां कोई भी अकेला मिले, तुरंत आकर मुझे खबर दो। हम चले तो जाएंगे भेरानी, लेकिन हम मुंह की खाना नहीं चाहते, इसलिए हमें कुछ थोड़ी बहुत शक्तियां मिल जाती तो अच्छा होता। कालपरी, जल्द ही मुलाकात होगी बालवीर। विवान, कहाँ हो तुम? वाल्टर, आप सजा मुझे दे रहे, लेकिन फंसोगे आप खुद ही। देखना मम्मी को क्या जवाब दोगे। विवान, कहाँ हो तुम? विवान, अरे दी, तुम कब आए? बस अभी आया करुणा जी। ये विवान कहाँ है? मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूँ। मम्मी, मैं आपकी आंखों के सामने ही तो हूँ। अरे ये लुक्का छुपी छोड़ो, स्कूल के लिए देर हो रही है, तैयार होना है। कहाँ हो तुम? मम्मी, मैं यही हूँ। मैं आ गया मम्मी, मेरा डुप्लीकेट फिर से आ गया। कहाँ छुपे थे तुम? स्कूल नहीं जाना, रेडी नहीं होना है क्या? चलो। अच्छी बात है, मैं बच गया। हिंदी टीचर से डांट डूबा डूबा ही खाएगा, और लेबन भी डूबा डूबा ही लिखेगा। मैं तो बच गया। बच नहीं गए, बल्कि फंस गए। अब अगले 24 घंटों के लिए तुम गायब रहोगे। दूसरों को गायब करने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना, अब खुद गायब रहो, फिर पता चलेगा कि इसमें मजा है या सजा। और अगर तुमने कोई और शरारत की तो मैं तुम्हारी सजा बढ़ा भी सकता हूँ, और उसमें मुझे बहुत मजा आएगा। बालवीर, शौर्य ने एक ऐसा सत्व बनाने की तरकीब निकाली है जिसके असर से किसी भी इंसान की बुराई को अच्छाई में बदला जा सकता है। हाँ, लेकिन इस सत्व को तैयार करने के लिए हमें ब्रह्मांड के सबसे पवित्र दिल की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और बालवीर, पूरे ब्रह्मांड में तुमसे अधिक पवित्र ऊर्जा किसी के पास भी नहीं है। मैं समझ गया शौरी। यही है वो सत्व। जाओ इसके इस्तेमाल से दुनिया को अच्छाई की चमक से रोशन कर दो। अब अच्छाई और बुराई की इस लड़ाई में सिर्फ अच्छाई बुराई से जीतेगी ही नहीं, बल्कि बुराई को भी अच्छा ही बना देगी। पूरे दिन मुझे विवान के बदले डांट खानी पड़ी थी। स्कूल में टीचर ने मुझे मुर्गा बनाया और करुणा जी ने मेरे कान खींच के लंबे कर दिए। ठीक है ना विवान, फिर करुणा जी के हाथों के बने लड्डू और उनका प्यार तुम्हें ही तो मिलने वाला है। वो तो है, लेकिन तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बालवीर, मुझसे अब क्या करवाने वाले हो? अच्छाई के सत्व को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। तुम इस गेम के साथ अकेले खेलते रहो। तुम्हें अकेला खेलते देखकर ना बुरी शक्तियाँ तुम पर जरूर हमला करेंगी और तब हम उन पर अच्छाई का सत्व डाल देंगे। लेकिन मैं क्यों? और वैसे भी ये अच्छाई का सत्व तो विवान के सुझाव से बनाना, तो आप लोग उसे क्यों नहीं बुला रहे हो यहाँ पर गेंद से खेलने के लिए? डुबा विवान को मैंने उसकी सुरक्षा के लिए आईने में कैद कर दिया है। तो मेरी सुरक्षा का क्या? डुबा तुम हमारे लिए विवान जितने ही जरूरी हो, लेकिन तुम वीर लोग से साथ ही साथ तुम उम्र में भी बड़े हो और अनुभव में भी, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। वैसे भी डुबा जब तुम विवान के बदले की डांट खा सकते हो तो विवान के बदले की तारीफ भी तो बनती है ना। इसलिए डुबा चिंता मत करो और हम पर विश्वास रखो। ये लो और वहां जाकर खेलो। जाओ। तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, पहली बार ये जादुई शक्तियां मिली है और इन शक्तियों को पाकर मेरे हाथ में वो हो रही है। वो क्या? खुजली। चल देखे तो सही, लाल परी ने हमें क्या क्या शक्तियां दी है। अब समझ में आया, काल परी ने हमें रोशनी करने की नहीं, अंधेरा करने की शक्ति दी है। परी, क्या आपको भी मेरी तरह आसपास बुरी शक्तियां बढ़ने का आभास हुआ? हाँ बालवीर, इसका मतलब बुरी शक्तियां विवान पर हमला करने के लिए पृथ्वी पर आ चुकी है। हाँ, हमें और चौकन्ना रहना होगा। डुबा पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन सुनो तौबा तौबा, इस बार जो हम काम करने आए हैं चुपचाप वो करके जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में मेरी वो हो जाती है, वो बेइज्जती। अरे नहीं नन्ही उंगली, इस बार सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी नाक और साख दोनों दांव पे लगी है। अगर इस बार हम विवान को बिना लिए काल लोक गए ना तो हमें भी अक्रूर का खाना बना दिया जाएगा। आज ये विवान को क्या हो गया है? एक भी किक ढंग से नहीं मार रहा है। लगता है आज इसे करुणा आंटी, दादाजी और टीचर से तीनों से एक साथ डांट पड़ी है। ओ, मतलब आज इसका मूड खराब है, इसलिए टेढ़े मेढ़े शॉट्स मार रहा है। लेकिन हमें तो सुनहरा मौका मिला है ना भैया। विवान का मूड तीन तरफ से पहले से ही खराब है। हम उसके दिमाग के चारों खाने एक साथ चित कर देंगे। तो फिर चल चिंटी। अरे बाप रे, चिंटू चिंटी। हे विवान, हमारे साथ फुटबॉल खेलोगे? चिंटू चिंटी, ये लोग विवान से इतने मीठे सुर में तो कभी बात नहीं करते। हाँ, कोई बुरी शक्तियाँ चिंटू चिंटी के रूप में तो नहीं आई है मुझ पर हमला करने? बालवीर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मेरा दिल धबड़ धबड़ कर रहा है। क्या करूँ अब मैं? बोलना, डर गया क्या? ये चिंटू चिंटी हमेशा गलत समय पर आ धमकते हैं। डुबा डुबा पहले से ही बहुत घबराया हुआ है। अब इन दोनों की वजह से वो और डर जाएगा। हमें चिंटू चिंटी का ध्यान भटकाना होगा। हाँ, चलो। हाँ है ये विवान। अरे पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है। आ जा इधर से। तोबा तोबा, ढूंढ। नहीं नहीं नहीं। चिंटिया, चिंटी मार बॉल। अरे रुक जा चिंटी। भैया, खाना तो हम रोज खाते हैं। अच्छा ये बताओ, विवान हमसे कितनी बार डर के भागा है? इस पूरे एडवेंचर का मजा लो। ठीक है चिंटी, चल। ए बूढ़ा, आजा। अभी अभी अपनी ताजा ताजा शक्तियाँ दिखाई नहीं विवान को, फिर ये कैसे डर के भाग गया? खाने वाला जादू तो काम नहीं किया, लेकिन अब असली जादू काम करेगा। आज तू नहीं बचने वाला विवान। अरे चिंटी, हमारी एडवेंचर वाली पिक्चर उल्टी क्यों चल रही है? हाँ, हमें तो आगे भागना था, हम पीछे क्यों भाग रहे हैं? अरे दुबन, विवान रुको। बच गया बुरी शक्तियों से। उनसे तो बच गए, अब हमसे कैसे बचोगे? इसे पकड़ने के इनाम में भराने से एक छोटी सी गति मांग लूंगा और उनके बगल में ही लगा लूंगा। हे तवा तवा, ये बाल मैंने धूप में नहीं उड़ाए। इस चूजे को काल लोक तू नहीं, मैं लेके जाऊंगा। मैं लेकर जाऊंगा। मैं लेके जाऊंगा। मैं लेकर जाऊंगा। मैं लेकर जाऊंगा। अरे भाग गया। ए, कितने कोस तू भागेगा? 60, 70, 80। मैं जादू से बांधूंगा तुझ पे रस्सी। अच्छा, मेरा तो थपड़ थपड़ कर रहा है। बालवीर कहाँ हो तुम? तेरे काल लोक जाने का समय आ गया है। कट कट खट खट, किल किल पट पट, तू चल काल लोक छटपट। अरे जबदार, ये कहाँ लेके आए हो तुम? काल लोक में ये चाय की दुकान तो नहीं है, ये कहाँ से आई? क्या ये? मंत्र में कुछ गड़बड़ हुई, रुक फिर से करता हूँ। अट पट कट पट पट। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने आने में। मेरा दिल दबड़ दबड़ कर रहा था, समझे कि नहीं समझे। ये तो वीर लोग की पूरी पलटन आ गई है। पराने के नाक जो जमीन पे रगड़ देता है, पता नहीं हमारा ये क्या हाल करेगा। मारेगा। हमें वो कर दो, माफ 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 कर दो बालवीर। माफ ही नहीं, तुम दोनों को मुक्ति मिलेगी। नहीं 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 बालवीर नहीं, नहीं बालवीर बालवीर नहीं बाल। प्रणाम बालवीर जी, प्रणाम परियों, प्रणाम जगदाली जी, प्रणाम तोबा तोबा जी। बोलिए, हमारे लिए क्या आदेश है? आप दोनों काल लोक जाइए और वहां जाकर अच्छाई फैलाइए। जी, जैसी आपकी आज्ञा। बुरी है बुराई मेरे बंधुओं, ना बुरा देखो ना बुरा सुनो। अरे रे, कितना पाप भरा है इस काल लोक में। न जाने कैसे रहते होंगे लोग इस नरक में। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मेरा दिल बोल रहा है। मूर्ख, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूते मैले करने की? माफ करो। माफ करना कमजोरों का काम है। मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे 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 श्रीमान, रुकिए रुकिए। किसी को मृत्यु दंड देना घोर पाप है। आप चाहे कितने भी नीच क्यों ना दिखते हो, लेकिन लेकिन आपको वो सुधरने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। आप जाइए। से भगा दिया? मेरे जूते कौन साफ करेगा? हम साफ करेंगे आपके जूते श्रीमान। आपके जूतों का मैल भी साफ करेंगे और आपके मन का मैल भी। श्रीमान, कृपया पकड़िएगा, जूते साफ करने में कठिनाई होगी। आओ बैठो। अरे 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 अरे, बाकी है। प्रणाम तिमनासा जी, प्रणाम कालपरी जी। तुम्हें तो विवान को लेने भेजा था ना? कहाँ है? कहाँ होगा, धरती लोक पर, अपनी माँ और दादाजी के पास। तौबा तौबा। हाँ जी, धरती लोक पर, धरती लोक पर, अपनी माँ और दादाजी के पास। ये भी क्या पूछने वाली बात है। छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। और कोई दूसरे गाल पर मारे तो तीसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ये हो क्या रहा है यहाँ? अरे अरे, कोई बात। तौबा तौबा जी, उठिए। अहिंसा करना घोर पाप है। यही तो बालवीर ने सिखाया है। अगर तुमने आने में थोड़ी और देर कर दी होती बालवीर, तो मेरा दिल तो दबड़ दबड़ करते करते पूरा ही बंद हो जाता। समझे कि नहीं समझे? डुबा डुबा, तुम और तुम्हारा दिल दोनों ही हमारे लिए बहुत कीमती है। सच्ची बालवीर? हाँ डुबा डुबा, आज तुम्हारी ही वजह से हम बुराई के आंगन में अच्छाई के दो बीज बो पाए। थैंक यू सो मच। डुप्लीकेट को नहीं, थैंक यू मुझे बोलो बाटर, क्योंकि मेरी हीरो जैसी शक्ल का इस्तेमाल करके पता नहीं क्या क्या कारनामे कर रहे हो आप दोनों। वैसे मैं डुप्लीकेट को बता दूं कि कल मेरा मैच का टेस्ट है, वो भी इसे ही देना पड़ेगा। अब तुम्हारा टेस्ट डुबा डुबा क्यों देगा? क्योंकि आपने तो मुझे आईने के अंदर कैद रखा है और मेरी सारी किताबें बाहर है, फिर मैं कैसे दे सकता हूँ टेस्ट? अब आराम से अंदर बैठकर पढ़ो और कल आईने से बाहर आने के बाद खुद ही टेस्ट दे देना। पार्टनर, इंसान की और भी जरूरतें होती है, जैसे कि खाना पीना, टीवी देखना, तो वो मैं कैसे करूँगा? विवान, पीछे मुड़कर देखो, वहाँ बैठने के लिए सोफा भी है, देखने के लिए टीवी भी है और खाने के लिए खाना भी है। सब कुछ है तुम्हारे पास। बालवीर से कोई होशियारी नहीं कर सकता, समझे कि नहीं समझे असली विवान। लेकिन पार्टनर, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है ना, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो। लेकिन मैं बता दूं, अब जो भी मेरे साथ कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। कौन सी बात अच्छी नहीं है? लगता है कि बालवीर ने इन दोनों पर जादू करके इनके अंदर अच्छाई के गुण डाल दिए हैं। अच्छाई की जगह काल लोक में नहीं, मेरे पेट में है। ना क्रोध अक्रूर जी, आप चाहे तन से कितने भी काले हो, लेकिन मन से काला कभी मत होना। हिंसा छोड़िए, अहिंसावादी बनिए, मांसाहार छोड़िए और शाकाहारी बनिए। ना देखो बुरा। भैमार जी, आप अहिंसा की आवाज को दबा तो सकते हैं, मिटा नहीं सकते। बुरा ना कहो, बुरा ना। इन्हें क्रोधाल के पास लेकर जाओ ताकि इनके सर पर से अच्छाई का भूत उतर सके। चलो मेरे साथ। चलिए तो बताओ बातें उठाओ। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरे मत बनो। बालवीर को अंदाजा भी नहीं है कि उसकी अच्छाई के जादू का जवाब मैं क्रोधाल की शक्ति से दूंगी।